This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज पूरा देश उन वीर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपनी कुर्बानी दी। 25वें कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नए सांसदों से मुलाकात कर संसद में उनके अनुभव साझा किए। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए उन्होंने सभी से जनसंपर्क बढ़ाने की भी बात कही है। बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हो गया है, 70 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पुणे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। लवासा में लैंडस्लाइड हो गया है, 3 मकान मलबे में दब गए। पाकिस्तान के कराची में भीषण गोलीबारी की खबरें हैं, इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। मानहानि केस में आज राहुल गांधी के सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेशी है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नए सांसदों से मुलाकात कर संसद में उनके अनुभव साझा किए। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए उन्होंने सभी से जनसंपर्क बढ़ाने की भी बात कही है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मनोज जरांगे रणनीति बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य का सियासी पारा बढ़ गया है। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने अजित गुट के नेता से मुलाकात की है। जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को हाल के लोकसभा चुनाव में लोगों से जबरदस्त समर्थन मिला है। इसकी वजह से MPA को 10 सीट में से 8 पर जीत मिली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसके साथ गठबंधन होगा, कितनी सीटें मिलेगी, इस भ्रम में ना रहे। हम 225 से 250 सीटों पर लड़ने वाले हैं। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने अनिल देशमुख के दाव पर कहा कि वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, वो सच कह रहे हैं, उन्हें एक साजिश के तहत जेल भेजा गया था। बैंक शेयरों में गिरावट से शेयर बाजार को मनचाही तेजी नहीं मिल रही है, लेकिन IT इंडेक्स स्टॉक मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। मेटल शेयरों में आज उछाल देखा जा रहा है। देश में आलू की कीमतों पर सप्लाई कम होने से हर साल के अंतिम 2 महीनों में तेजी आती है, लेकिन इस बार उत्पादन प्रभावित होने से पहले से ही असर दिखने लगा है। भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ अब महाराजा ट्रॉफी KLCS T20 में खेलते नजर आएंगे। उन्हें मैसूर वॉरियर्स टीम में शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 कई मायनों में खास होने वाला है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम में नहीं होगी। इस ओपनिंग सेरेमनी में एथलीट ट्रैक पर परेड नहीं करेंगे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले चोटिल हो गए हैं। सिराज को पैर में चोट लगी है। सिराज की चोट टीम इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीनों के लिए अगस्त का महीना काफी रोमांचकारी होने वाला है। इस महीने बहुत सारे शोज Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रहे हैं। छोटे पर्दे पर शोहरत हासिल करने के बाद अब श्वेता तिवारी की नजर बड़े पर्दे पर टिकी है। श्वेता के पास एक बड़ी फिल्म है जिसमें वह अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण समेत कई सितारों के साथ नजर आने वाले हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।